ट्रेवलिंग ऑन फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर. रेडियस हमें दिया हुआ है, यहाँ साइड पे मैं डाटा फॉर्म कर रही हूँ. रेडियस इज इक्वल टू 200 मीटर एट 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमें दी हुई है इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी हुई है इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, ये जो ऊपर हमें दिया हुआ ना मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी. बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल में समझ में ना आ रहा हो कि ये हमें क्या दिया हुआ है डाटा, तो आपने क्या करना है, यूनिट्स देखने. अब देखो मीटर है तो इसका मतलब क्या है कि हमें किसी चीज़ की लेंथ दी हुई है, यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है. मीटर्स पर सेकेंड हमें शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है. मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमें शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन है. इसी तरह से कार का मास दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है कार का 1000 केजी. केजी हमें शो कर रहा है कि ये मास है, वेट नहीं है. वेट जब होता है तो वो न्यूटन्स में होता है. हमें कैलकुलेट करनी है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, ए हमें ये कैलकुलेट करना है. और हमें बी में हमें दिया हुआ है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन सर्कल द ट्रैक. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है कितनी है. दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्पीड फॉर द कार. बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इस डाटा को देख के कंफ्यूज नहीं होगे. ये वो कार थी जो राउंड ट्रैक पे मूव कर रही है जिसका रेडियस है 200 मीटर. इस राउंड ट्रैक का रेडियस है 200 मीटर. अब बेटा बहुत गौर से आप इस न्यूमेरिकल को देखना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है. अगर ध्यान से आप सॉल्व करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा. हमें डेटा जो दिया हुआ था वो मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर रहे. रेडियस हमें दिया हुआ था 200 मीटर, वेलोसिटी दी हुई थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मास वाज इक्वल टू 1000 केजी, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी थी, हमें म्यू एस दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन दैट वाज इक्वल टू 0.8, और हमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम वेलोसिटी को. यहाँ पर देखो अब फॉर द पार्ट ए जहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी थी, हमें पता है कि यहाँ पर जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल होगी टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा ही होगा ना. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एफ हमेशा किसके इक्वल होता है, एम ए के. यहाँ पर ए हमारे पास चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो हम एम की जगह क्या लगा देंगे, ए की जगह हम लगाएंगे ए अल्फा सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास हमें दिया हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 4.5. दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा. वी विल गेट 4500 न्यूटन. ये हमारे पास फोर्स है जो हमें पहले पार्ट में पता करनी थी, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 4500 न्यूटन. दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम वी की वैल्यू फाइंड करेंगे. इस न्यूमेरिकल में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इक्वल है टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके इक्वल होगी, टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द रिएक्शन ऑफ द रोड. जो रिएक्शन फोर्स होगी, जो हम देखो जब किसी भी चीज़ पे वेट अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होती है, यहाँ पर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं. रिएक्शन फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू द वेट, और वेट हमारे पास क्या है, एम जी. सो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू एस इंटू एम इंटू जी. आर की जगह हमने क्या लगा दिया, एम जी, क्योंकि रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होती है, टू द एम जी.
मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाइड बाय मास हमें दिया हुआ था 1000 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 7840 न्यूटन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होगी टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ वी मैक्सिमम वेलोसिटी की। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर वी चूंकि मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम इसके साथ एक छोटू सा एम लगा देते हैं, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इक्वल है टू द फोर्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इक्वल है टू द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड किया, दैट वॉज इक्वल टू 7840। वी स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, आर जो इस तरफ डिवाइड हो रहा था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सब डिवाइड हो जाएगा बाय एम। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 7840। रेडियस हमें दिया हुआ था सर्कुलर पाथ का 200 के इक्वल, और मास कार का दिया हुआ था 1000। इन सब वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड, पहले आपने क्या करना है ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इन वैल्यूज को 1000 से डिवाइड करना है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1568, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट 1568। अगर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, और वी की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी टू 39.6 मीटर्स पर सेकेंड।